भजन धाम के लिए भी गा दीजिए, तो हम इस भजन के बाद में वो भजन भी गाएंगे। उससे पहले सभी बोलते राधे राधे। अच्छा सारे अधिकतर गए सारे। अच्छा कौन कौन नहीं गए? कौन कौन नहीं गए? बहुत सारे नहीं गए। अच्छा अनुष्का पीछे वाले बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो नहीं गए। अच्छा भैया जाना चाहते हो? इतना धीरे मुझे नहीं आवाज आ रही। बार कैसे है शाम प्रेमी वाली आवाज में बता दो जाना चाहते हो? अच्छा जो गए हैं वो भी फिर से जाना चाहते हैं? अच्छा अधिष्ठान अनुष्का एमपी से आई है, यूपी वालों को बोले कि भैया खाटू मत जाना तो क्या बोलोगे? जाएंगे। इतना धीरे बोलेंगे कैसे? शाम प्रेमी पूरे पागल होते हैं। बिल्कुल इनको बता दो दीदी क्यों नहीं जाना चाहिए। अच्छा चलो बताते हैं कि क्यों मना किया। ये सुन रहे हैं ना भैया स्केल सुनिए। चलिए हाँ अच्छा एक बार प्रेम से पहले बोलो जय श्री श्याम। दीदी जो कुर्सी पे प्रेमी बैठे हैं ना पीछे, हाँ उनसे बुलवा लो जय श्री श्याम। अच्छा पीछे वाले भैया एक बार बोल दो जय श्री श्याम। अच्छा आप बोल रहे हो आपका पड़ोसी नहीं बोल रहा, पड़ोसी से कह दो जय श्री श्याम। अच्छा एक बार सारे मिलकर कह दो राधे राधे। क्यों मना करा खाटू जाने को? बाद में ले लेंगे भैया हम यहीं पर हैं अभी। सुनिए भगत तू मत जाइयो खाटू के दरबार, भगत तू मत जाइयो खाटू के दरबार। क्यों मत जाइयो? क्यों मत जाइयो पता है क्यों? वहां पर बैठा बाबा।
होता है। इस दरबार में सभी के काम बनते हैं प्रेमियों, दोनों हाथ पीछे वाले सारे साथ में, साथ में। ओ मेरे शाम का जादू है दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लॉगिंग विद शिवम में। तो आज हम जा रहे हैं गुरुजी के साथ, ये सामने आप देख सकते हैं गुरुजी का काफिला चंदौसी की तरफ जा रहा है और चंदौसी से मुरादाबाद की तरफ जाएगा।
श्याम भक्त जुड़े हुए हैं, बहुत तगड़ा काफिला है। देखिए महंत जी के साथ में आज हम आए हुए हैं, मुरादाबाद में कार्यक्रम है महंत जी का, और गुरु जी के साथ हमें आने का सौभाग्य मिला है। देखिए तो अभी कितना रोड पूरा जाम कर दिया है, बिलारी में है, और यहाँ पर अभी महंत जी आए थे, यहाँ शरबत का जो वितरण चल रहा है। आपने जो भी मनोकामना सोची आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मनोना धाम की ओर से, मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे और आपके घर में खुशहाली रहे, यही मनोना धाम का उद्देश्य है। और मनोना धाम पर आप लोग आइए, एक बार बाबा श्याम के चरणों में शीश नवाइए, और वहां से जो आशीर्वाद मिलता है, वहां जो भी व्यक्ति आता है उसके चेहरे पे मुस्कान होती है, उसके घर में खुशहाली होती है। आप बहुत सारे लोग यहां पर गए भी होंगे, उन्होंने अनुभव भी प्राप्त किया होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। Sure.